सावची साहब और गुंदोज साहब। हम फंस चुके हैं, हमला करो, हमला। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। एक गाजी के लिए जिहाद कभी खत्म नहीं होता उस्मान। निकोल आ जाएगा तो कोई और आ जाएगा, जिहाद कभी खत्म नहीं होता। लेकिन अर्तुरुल गाजी जा रहा है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बाबा। शायद ये मेरी और तुम्हारी आखिरी गुफ्तगू होगी। यही सच है उस्मान, सच है ये। मैं तुम तीनों से प्यार करता हूं। मैंने इस प्यार में कोई फर्क नहीं रखा, क्योंकि तुम सब में मेरी जान है। लेकिन बहादुरी में तुम सबसे अलग हो। तुम एक अजीम काम करोगे इंशाअल्लाह। तुम मेरा नाम रोशन करोगे। कोई आपसे आगे नहीं निकल सकता, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता बाबा। तुम होगे। अगर तुम मुझसे आगे ना निकले तो रोज़े कयामत जवाब लूंगा। जब से तुमने जिहाद की शमा रोशन की है तो काई और उसके सरदार सर उठाकर चल रहे हैं। जब तक तुम्हारा जज्बा जिहाद इसी तरह जिंदा रहा, तुम दुश्मनों को शिकस्त देते रहोगे और तुर्कों को फतह मुबीन से आशना करते रहोगे। लेकिन अगर तुमने राह बदलने की कोशिश की तो तबाही की तरफ चले जाओगे। हमारी जिहाद की आरजू को कोई नहीं मिटा सकता। ये बढ़ेगी, इसे बढ़ना चाहिए। ये मेरा वाहिद मकसद होगा बाबा। आज तुम अपनी मां की कब्र पर वादा करो मेरे बेटे। वादा करता हूं मैं आपसे बाबा, मुहाफिज बनूंगा मैं अपनी इकदार का, अदल और इंसाफ कायम करूंगा, अपने लोगों की फरियाद सुनूंगा मैं, उनके साथ रहूंगा हर घड़ी। गाइयों की ये रियासत दुनिया के तमाम गाजियों को एक परचम तले इकट्ठा करने वाली रियासत होगी और ये मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए पनाहगाह होगी। वादा करता हूं मैं आपसे बाबा। सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। तुम्हारा नाम हमेशा तारीख में सरबुलंद रहेगा। बाबा मेरे बेटे,
मेरे दिलेर बाबा। मुझसे गद्दारी, दारगुल खातून पीछे देखें। इंसाफी है, एक के मुकाबले में दो। तुम पागल हो, तुम पागल हो, खूब पागल निकोला। तुम्हें ये कहावत मालूम है कि एक पागल आदमी ही पागल आदमी को समझता है। मौत से मिलोगे साफ़ी। एक दिन तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं, तुम सबको। बाबा, बाबा, बस हो गया, बस हो गया बाबा। Oh.
तुम्हारा खात्मा ऐसे ही होगा। हमें इसकी जरूरत है भाई, जरूरत है। मेरे इससे अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। वादा करता हूँ आपसे बाबा, मुहाफिज बनूंगा अपनी रिवायात और इख्तियार का, अदल व इंसाफ कायम करूंगा। मैंने वादा किया है उनसे कराए, वादा किया है मैंने। काई खवातीन की रहनुमा हलीमा सुल्तान की कब्र पर सरदारों के सरदार से वादा किया है मैंने, इसलिए ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। ये एक बहुत बड़ा वादा है, एक असीम जिम्मेदारी है। ए, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने वाले काराए, अगर तो ये बोझ संभाल नहीं सकता मैं, तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए एक बोझ के सिवा कुछ नहीं। ए कराइल, अगर तुम्हें अपना वादा पूरा नहीं कर सका तो मुझे अपने ऊपर सवार मत होने देना, मेरा दोस्त मत बनना, बल्कि अपने नालों तले मुझे रौंद कर रख देना। हल्फ उठाता हूं मैं, कसम खाता हूं पूरा जहान ये सुन ले, अल्लाह का शुक्र है अर्तुरुल साहब, अरसे दराज के बाद हमें आपसे मिलना दोबारा नसीब हुआ। जान अल्लाह को सुपुर्द करने से पहले हमें एक बार मिलना ही था। तो फिर वक्त आ गया है, काई सरदार अपने नए सफर के लिए तैयार हो रहा है। अब आप इस रास्ते पर मेरे बगैर ही चलेंगे। जो चीज राह को रोशन करती है वो मुसाफिर की नियत है अर्तुरुल साहब। आपके बाद हमारे रास्ते को कौन रोशन करेगा? आपके मुकद्दस मकसद और जिहादी तलवार का
वारिस कौन होगा? मुश्किल दिनों के बाद और भी मुश्किल दिन आ रहे हैं। इस कड़े वक्त में हमें दूरंदेश सरदार चाहिए, क्योंकि दायरा तंग हो रहा है। इस दायरे को तोड़ने के लिए, जिहाद में कामयाबी के लिए, ऐसा सरदार जो सिर्फ फतह चाहता हो, जो आजादी के रास्ते पर किसी की इताअत कबूल न करे, हमें ऐसा सरदार चाहिए। ताकत, अकल और हिकमत किसके पास है? नई रियासत की आरज़ू लिए तुर्कों के लिए सियासत कौन करेगा? रियासत की बुनियाद ताजरों के लिए नए तजारती मराकिस कौन खोलेगा? रियासत के ईमान और आगाही की रहनुमाई कौन करेगा? वो सरदार ही हैं जो इन रास्तों पर रहनुमाई करते हैं, उफक दिखाते हैं और कयादत करते हैं। काइयों के लिए राह हमवार करने वाला मेरा बेटा उस्मान है। वो अपनी तलवार से फतह हासिल करेगा, इंसाफ के साथ फैसले करेगा, सियासत के साथ सिमत का तायुन करेगा। ताजिर और आही उसके झंडे तले राहत महसूस करेंगे। आपके फैसले को अल्लाह मुबारक करे। हम उस्मान और उसकी दावत दोनों पर यकीन रखते हैं। तुर्क जिस रियासत के मंतजर हैं वो उस्मान कायम करेगा, और वो लोग जो उसके बाद आएंगे रियासत को उसके नाम से पुकारेंगे। अहलत से हल्ब, हल्ब से सौद जारी रहने वाला हो ये सफर। उस्मान साहब के साथ बुरसा तक, बुरसा से अजनिक, इस तरह ये सफर बहुत दूर तक जारी रहेगा। एक रात उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे दूर दराज बर्रे आजमों के बारे में बताने लगा। आपका मोहतरम नाम जमीन से समंदर तक ले जाऊंगा, ऐसा कहा उसने, और मैं समझ गया कि मेरा वारिस यही है। मेरे बेटों में से समंदर की बात सिर्फ उसी ने की थी जो सल्तनत को समंदर के पार तक पहुंचा कर रहेगा। अर्तुरुल साहब, हम उतने ही बड़े हैं जितने हमारे ख्वाब। हमारा वजूद तब तक है जब तक हमारी ख्वाहिशें हैं। तुर्कों के लिए इस मुश्किल वक्त में रियासत की तश्कील का ख्वाब कायम करने वाले कायदों को सलाम। सलाम उन पर जो सफर के आगाज पर इंतजार करते हैं और मुश्किल हालात में उफक के पार दूर जमीनों की तरफ इशारा करते हैं, जिनसे तमाम तुर्क कबाइल का ताल्लुक है। उस अबदी मुकद्दस रियासत पर सलाम। अर्तुरुल साहब, किस तरफ जा रहे हैं? रब्बे जलील की जानिब। Thank you.
उड़ गया पर्दा रास से। कुमराल अब्दाल, अर्तुल गाजी के बेटे उस्मान, क्या आप तैयार हैं? ए सरदार के बेटे, क्या आप बड़े जहाद के लिए तैयार हैं? ए हक पर हक की बात कहने वाले, कहिए जो कहना है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से आने वाले अपने सहाबा से फरमाया, मरहबा, हम छोटे जहाज से लौट कर मरहबा बड़े जहाज की तरफ आ गए हैं। उस्मान साहब, आप जंगों के बारे में जानते हैं है? जहाज अकबर क्या होता है मालूम है आपको? जिहाद अकबर जरूर ये नफ्स के खिलाफ जिहाद होता है। हाँ सरदार के बेटे, हाँ। इस जिहाद की सही वजाहत आज मैं तुम्हें करता हूं। जो अल्लाह की बनाई गई मखलूकात से इम्तियाजी सलूक नहीं करता, जो दूध में सफेद बाल देखने से पहले कोई फैसला नहीं करता, जो अपनी जात को शिकस्त देने से पहले खुद को फातेह नहीं कहता, ए हक पर हक की बात कहने वाले, कहिए जो कहना है। क्या सरदार का फर्जंद उस जंग के लिए इतना ताकतवर भी है? जनाब हक ने जमीन और पहाड़ों को अमानत सुपर्द करने की पेशकश की, वो पीछे हट गए और कबूल नहीं किया। अजमत वाले इंसान ने अल्लाह की मसलियत से कबूल कर लिया। अब इस अमानत की हिफाजत करना और याद रखना कि इसके फर्ज से कभी गाफिल ना हो जाना। क्या आपको नहीं मालूम उस्मान साहब, क्या आप नहीं जानते, मेहमान के तौर पर आप जिस दुनिया में आते हैं, मत कहें कि ये मेरी मिल्कियत है। और यही आपका जिहाद है। अजल से लेकर अब तक हाकमियत अल्लाह की है। अगर तो एक लम्हे के लिए भी इस रास्ते को तर्क करूं तो आइएगा मेरे पास, याद दिलाइएगा मुझे। अपने फर्ज से कभी गाफिल मत होना। तुम्हारे रास्ते आसान हो। वो सरदारी अपने किसी एक बेटे के लिए छोड़ेंगे, वो मुझे किसी खाते में नहीं रखते। वो तमाम सरदारान के सामने या तो उस्मान या फिर
साउची को मुंतखब करेंगे। वो नाम जो अर्तुरुल गाजी के मुंह से निकलेगा, वो नाम तमाम सरदारान और हर एक के लिए हुक्म बन जाएगा। आपका ख्याल था अर्तुरुल मर जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। मंसूबा आपका नाकाम हो गया। सब बर्बाद करने के लिए वो फिर से खड़ा हो गया हुजूर। दुनदार साहब, आपको कुछ करना होगा। अर्तुरुल को वो नाम साहिर करने से पहले मरना होगा। तुम क्या कह रही हो खातून? मुझे न अर्तुरुल की, न साउची की और न ही उस्मान की परवाह है। अगर आप सरदार नहीं बनेंगे तो गजल खातून को भी, आपके कबीले और उनके मुस्तकबिल की भी कोई परवाह नहीं। क्योंकि अगर आप सरदार ना बन सके तो ना ही साउची और ना उस्मान जिंदा रहने देगा। आप समझे इस बात को? उन्होंने झाड़ियों में छुपने की कोशिश की। उन बेवकूफों को लगता था कि वो जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहादुर, हमने काफिरों पर काबू पा लिया। फलतूस को जिस तरह जंजीरों में जकड़ा है, काश निकोला को भी जकड़ा होता। उसका वक्त भी एक दिन आएगा, जरूर आएगा। हमारे भाई ने उससे कला छीन लिया और हमने उसका दायां बाजू काट दिया। मैं आपके साथ जाना चाहता था, निकोला को गर्दन से पकड़ना चाहता था, लेकिन बाबा ने तुमसे एक अहम मसले पर बात करनी थी। ऐसा ही है भाई, हम वालिदा की कब्र की ज़ियारत को गए थे। अल्लाह उसे कबूल करे भाई। शुक्रिया भाईजान। अल्लाह कबूल करे। वहां क्या बात हुई? वो मुझसे वादा लेना चाहते थे। कैसा वादा? कि मैं कबीले का ख्याल रखूंगा। आप दोनों को परेशान नहीं होना चाहिए, कबीला महफूज हाथों में। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, ये अच्छे हाथों में है। लेकिन फिलहाल बस इतना ही काफी है। अर्तुरुल साहब एक बड़ा जिरगा बुलाना चाह रहे हैं। सब सरदारान को दावत दी गई है। तुम सबको भी तैयार होना होगा। चलो चलें। मेरे भाइयों, हो सकता है ये बाबा का आखिरी जिरगा हो। ये बात याद रखना, ऐसा कुछ ना हो जिससे उन्हें तकलीफ हो। आज फतह का दिन है, बाबा के सामने फातह के तौर पे जाएंगे। ऐसा ही होगा मेरे भाई, ऐसा ही होगा।
इसका बहुत खून बह गया है। तुम कले चले जाओ ताकि इनको मालूम हो कि निकोला ठीक है। वो लोग इसे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी, तुम जाओ। मारने वाले थे। तुम्हें उस्मान की सिपाहियों से बचाकर यहां लेकर आई हूं। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। मैं हार नहीं सकता, मुझे कले जाना है। नहीं, 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 मैंने कले जाना है। नहीं निकोला, तुम नहीं जा सकते। रोम हार नहीं सकता, रोम हारा नहीं अभी। तुम्हारा बहुत खून बह गया है, नहीं जा सकते। तुम हमारी सल्तनत की आखिरी उम्मीद हो निकोला। सब्र करो, कले जाना, मुझे जाना। ठहर जाओ निकोला। बस कपड़ा बांधती हूँ, ठीक हो जाएगा। ठहरो। रोम नहीं हारेगा, रोम कभी नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा। फिलाटियस, शेर का शिकारी फिलाटियस, काश वो तुम्हें मेरे हवाले कर देते हाँ, तो फिर मैं देखता कि तुम कितने बहादुर हो। काश मैं तुमसे अपने भाई अयास का बदला ले सकता और तुम्हारे फेफड़े बाहर निकाल के रख देता फिलाटियस। मेरे हाथ तो खोलो जरा, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज पर पछतावा दिला सकूं। गुक्तग, रुक जाओ, इस काफिर से तुमसे ज्यादा हिसाब किताब मेरा है। ताला खोलो। तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारा था, मैं उनका इंतकाम लूंगा साहब जी, जल्दी अब देर। जब मैं तुम्हारी बीवी यानी कि मेरी अलीना को तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा, वो दिन